अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं, ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है, इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। जैसे जैसे प्रशांत किशोर बिहार में अपनी जनसुराज यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे नीतीश कुमार पर हमला तीखा करते जा रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर ने जेडीयू में बड़े पद के ऑफर वाला बयान दिया, जब उस बयान पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया तो प्रशांत किशोर ने इसे नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र का असर बता दिया। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है, उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में, वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। दरअसल कुछ दिन पहले जब दोनों की मुलाकात हुई तो इस मुलाकात की बिहार की सियासत में बड़ी चर्चा हुई। तब भले ही दोनों पक्षों ने खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुलाकात के कुछ दिन बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश पर हमला बोल दिया था। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के बहुत होशियार बन रहे हैं। 15-14 में चुनाव हार गया था, दिल्ली आए मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए, महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हमको बोले कंधा लगाया, अब बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए, हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी प्रशांत किशोर के दावे का नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया, जेडीयू को लेकर प्रशांत किशोर की पुरानी प्लानिंग का खुलासा किया। सर ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें एक पद का ऑफर दिया था? ना, गलत यार, इतना मत ढकेला करो मेरे ऊपर, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोग को कोई लेना देना नहीं। पदयात्रा जान ही न गए भाई, हम तो दिल्ली में भी पटना में पदयात्रा पे, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले? अब जिसको जहाँ जाना है जाना है, एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दी, हमके भला आप कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे? बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले आकर के कह रहा। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है, आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर प्रदेश के तमाम जिलों में जनसुराज यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, साथ ही लगातार नीतीश कुमार और बिहार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अंग्रेजी में